अरे पगली बच्चे को लेके बाहर बैठी है, 8 बजने गए, चल अंदर। ओए सेठ दुकान बंद कर, 8 बजने गए। ओए ओए ढाबा बंद कर, 8 बजने गए, 8 बजने को ढाबा बंद कर। ओए तुम लोग ताश खेलना बंद करो, 8 बजने गए। अरे चलो भागो यहाँ से, 8 बजने वाले हैं। अरे चलो भागो। वैसे एक मिनट, ये सब लोग डर के भाग क्यों रहे हैं, बात क्या है? अरे बात कुछ नहीं है, 8 बजे गुम्मन सिंह राठौर गाना गाने वाले हैं, हमारी सामत आने वाली है, मुझे छोड़ दो, मेरे भी बच्चे घर में अकेले, मुझे जाने दो। लकी, लोगों को चाकू से डराते हुए देखा है, बंदूक से डराते हुए देखा है, हाँ। लेकिन गाना गा के डराते हुए पहली बार देख रहा हूँ। कौन हो सकता है? वाह क्या गाना था, ये गाना था, वाह 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 वाह। लेकिन गुरुदेव आप रो क्यों रहे, रोना तो हमें चाहिए। क्या बताऊं बच्चों, आज जिंदगी में पहली बार मेरे संगीत को समझने वाला मेरी चौखट पे आया है तो मेरे दिल का पैमाना छिलक उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। आप महान हो गुरुदेव, आप महान हो। मुझे जाने दो, अपने बारे में बताओ बच्चों, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? गुरुदेव मेरा नाम लकी अय्यर, इंडिया का पहला अय्यर जो बहुत लकी है। लकी अय्यर, शक्ल सरदार की, आवाज मद्रासी की, तुम नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन? गुरुदेव मेरा मदर नॉर्थ इंडियन, फादर साउथ इंडियन और मैं कंप्लीट इंडियन। तुम्हारा दोस्त काफी बोर है। हाँ मेरा मतलब गुम्मन सिंह जी, हम लोग सुबह से इस गली में किराए के मकान के लिए भटक रहे हैं। क्या तुम्हें मकान देने से इनकार किया गया? हाँ गुरुदेव। किसने इनकार किया, नाम बताओ उसका, हम अभी भैराग गाकर उसकी जिंदगी में तहलका मचा देंगे। कौन है, मैं पूछता हूँ कौन है, जरा अपना नाम तो बताओ। किसने मेरे चेलों को मोहल्ले में मकान देने से इनकार किया? एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, आज के बाद मेरे चेले मेरे मकान में रहेंगे और हर रोज मेरा गाना सुनेंगे। सुनो बच्चों, ये बच्चे कहाँ गए?